भारतवर्ष मतलब, भारतवर्ष किसको बोलते हैं? भारतवर्ष है तो भारतवर्ष त्योहारों का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों मीन्स फेस्टिवल्स, और देश मीन्स कंट्री। कंट्री को हिंदी में देश बोलते हैं ना, एंड द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया, भारत। भारतवर्ष। इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? भारत। इंडिया का दूसरा नाम क्या है? भारत। पहले इंडिया का नाम भारत ही था, इंडिया बाद में आए, ठीक है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, है ना रियान? यस और नो? दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, लाइक वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल। दीज आर रीजनल फेस्टिवल्स लाइक ओनम, पोंगल, राइट, संक्रांति, बिहू। अलग अलग ऑल द स्टेट्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, राइट। लेकिन हम इंडिया में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी मनाते हैं जैसे जो कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ओके, गांधी जयंती। दीज थ्री आर यस नेशनल फेस्टिवल। गांधी जयंती इज ऑल्सो कमिंग इन 2 अक्टूबर, राइट। यस तो ये सब हमारे क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स है, राष्ट्रीय त्योहार, ठीक है। और जैसे दिवाली, लोहड़ी और दशहरा, क्रिसमस, ये सारे रीजनल फेस्टिवल्स है। ये अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग मनाते हैं। बट नाउ डेज इन इंडिया ऑल द पीपल कम टुगेदर टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स। हम सारे त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। हिंदू ईद भी मनाते हैं, हिंदू लोग खुशी खुशी ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, क्रिश्चियन पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल, राइट। यस मैम इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स विच हैज डिफरेंट फेस्टिवल्स, ओके। भारतवर्ष त्योहारों का देश। रियान अब यहां से पढ़ेंगे आप, यहाँ 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 अलग अलग धर्मों 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 को मानने मानने वाले अलग अलग भाषा तथा तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। हाँ। सो यहाँ यहाँ मीन्स इन इंडिया, ठीक है। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं ना। यहाँ अलग अलग, अलग अलग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, ओके। धर्मों धर्मों मीन्स रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले। फॉलो इन इंडिया देयर आर फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज। भाषा किसको बोलते हैं रियान? मैम भाषा मीन्स लैंग्वेज, ओके। भाषा मीन्स लैंग्वेज, लाइक हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लाइक हिंदी इज लैंग्वेज, ओके। सेम वे देर इज तेलुगु एंड पंजाबी, गुजराती, मलयाली, आल्सो उर्दू यस उर्दू। देर आर डिफरेंट लैंग्वेज। इंडिया इज अ कंट्री विच हैज वास्ट डाइवर्सिटी, यू नो, जिसकी बहुत सारे, जहाँ पे लोग रहते हैं अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्मों। धर्मों मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, दे ऑल स्टे टुगेदर। इंडिया इज अ कंट्री विच इज नोन फॉर इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विच हैज पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, ओके। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, धर्मो मीन्स रिलीजन, अलग अलग भाषा मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन दिस कंट्री, ठीक है। अब रीड करेंगे रियान। यहाँ भिन्न भिनन भिनन्नी भिन्न 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 क्षेत्रों क्षेत्रों, में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। भिन्न भिन्न मीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स प्लेसेस, ठीक है। मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जैसे आप हैदराबाद क्षेत्र के रहने वाले, हैदराबाद
is a place, yes or no? तो यस क्षेत्र मीन्स प्लेस, जगह का नाम, जगह को बोलते हैं क्षेत्र. ओके, यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं. यहाँ अलग अलग प्लेसेस, लाइक अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज सो मेनी स्टेट्स, राइट, एंड सो मेनी यूनियन टेरिटरीज, राइट. यू लिव इन आंध्र प्रदेश, राइट. ओके, सॉरी, यू लिव इन तेलंगाना. यू लिव इन तेलंगाना. यस सो तेलंगाना इज अ प्लेस. ओके, तो जैसे तेलंगाना में अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. आप लोग ओनम सेलिब्रेट करते हो, पोंगल सेलिब्रेट करते हो, लाइक यू सेलिब्रेट क्रिसमस ऑल्सो. और जैसे गुजरात में अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, पंजाब में जैसे बैसाखी मनाई जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है, दे हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स. एंड इन नॉर्थ ईस्ट देर आर डिफरेंट फेस्टिवल, लाइक इन कोलकाता पीपल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, एंड इन असम दे सेलिब्रेट बीहू, इन नागालैंड दे सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेम वे लाइक इन केरला दे सेलिब्रेट ओनम, राइट. ऑल द डिफरेंट प्लेसेस हैव देयर ओन फेस्टिवल्स, राइट, बट देर आर फ्यू फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया. लाइक दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया, राइट. और हर जगह के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल्स, ऑल पीपल हैव देयर ओन कल्चरल बिलीफ एंड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग, राइट. लाइक गुड़ी पड़वा इन महाराष्ट्र दे सेलिब्रेट, एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल, राइट. सो यस एवरी रीजन हैज इट्स ओन कल्चर एंड दे सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स. ओके, यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इन डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं. इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, डिफरेंट कल्चर्स आर फॉलोड एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट, राइट. हाँ अब रीड करेंगे कुछ कुछ त्योहार. कुछ त्योहार धर्म पर आधारित, आधारित होते लाइक आई टोल्ड यू, कुछ त्योहार, सम फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन द रिलीजन, आर बेस्ड ऑन रिलीजन. आधारित मीन्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन. डिफरेंट फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन. ओके, देर आर सम फेस्टिवल्स विच आर बेस्ड ऑन रिलीजन. धर्म नहीं, इट्स धर्म. धर्म मीन्स रिलीजन. ओके, लाइक हिंदू सेलिब्रेट, हिंदूज, ऑल द हिंदूज सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, रामनवमी, मकर संक्रांति एंड मेनी अदर फेस्टिवल्स, राइट. सेम वे क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, डोंट दे सेलिब्रेट क्रिसमस? यस, सो क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, बट नाउ डेज अभी वो सारे लोग मनाते हैं. ऑल द पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस, राइट. जैसे मुस्लिम्स दे सेलिब्रेट ईद, यस और नो? यस यस, ईद ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, बट यस, नाउ डेज ऑल द पीपल आर सेलिब्रेटिंग इट ऑल टुगेदर. दे गो एंड विश देयर फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स, कैरी स्वीट्स, एंड मुस्लिम पीपल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट अमंग ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन. ओके, सो हर धर्म के अपने अपने अलग त्योहार होते हैं. एंड सिख पीपल दे सेलिब्रेट बैसाखी. एम आई ऑडिबल रियान? रियान, मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस. मैम, यू आर ऑन. यस तो कुछ अलग अलग, सॉरी, तो हर ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल. ओके, दे हैव देयर ओन फेस्टिवल रिलेटेड टू देयर रिलीजन. लाइक सिख पीपल सेलिब्रेट लोहड़ी, दे सेलिब्रेट बैसाखी, दे सेलिब्रेट गुरुपुरब. ओके, सो सिख पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल. सो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव देयर ओन फेस्टिवल्स, राइट. तो यस कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर, ठीक है, कुछ त्योहार धर्म पर आधारित होते हैं, सम फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन द कल्चर एंड रिलीजन. ओके, एंड सम फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन द सीजन्स, राइट. द क्रॉप्स विच ग्रो इन डिफरेंट सीजन. ओके, कुछ त्योहार धर्म पर आधारित होते हैं, सम फेस्टिवल आर बेस्ड ऑन द रिलीजन, एंड सम फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन द क्रॉप्स विच ग्रो ऑन डिफरेंट सीजन, राइट. लाइक ओनम, ओनम इज सेलिब्रेटेड नाउ इन द डाउन साउथ, स्पेशली इन केरला. व्हाई डू दे सेलिब्रेट? बिकॉज
during this time, there are like few crops grow in a particular season, like Baisakhi celebrated in the month of April. During this time, they cut the crops which they have grown, and then they, you know, offer the first, you know, first lot of crop to the god. Okay, Baisakhi is celebrated. Baisakhi kyun manai jati hai? Jab faslo ki katai hoti hai, when they take out the first lot of crop, to isliye Baisakhi manai jati hai. Baisakhi is a festival of crops in which they cut the crops which they have grown, different types of. I mean harvest. Yes, harvest. Okay, very good. So it's a festival of harvest. Okay, jisme, and there is one more festival like Onam in down south in Kerala. Baisakhi is celebrated in Punjab, and Bihu. Bihu is again a festival of harvest only. Okay, it's celebrated in Assam. Now, what about Holi? Holi is a festival of color. Holi is the festival of color. It is celebrated by Hindu. It has a different, you know, base behind, a different reason behind it. It's not a festival of crops. Okay, and there is one more festival like it, which is celebrated in North India. During the month of July, Harela, in which again it's the festival of harvest. They cut the crops during this time. Okay. So in India is such a big country which has different religion, different culture, different people of different culture, different languages are spoken here. And even the festivals are not only based on the religion of the people, but the festivals are also celebrated when they harvest crops in different seasons. Some crops are harvested during winter, some in summer, some in autumn, some in spring. Okay, like Vasant Panchami. Vasant Panchami is celebrated during spring. In Vasant Panchami, we worship goddess Saraswati. Saraswati Mata. Okay, she is the goddess of wisdom. So we celebrate Vasant Panchami in February, in spring season. And Vasant Panchami is also the beginning of, you know, flowering, when the flowers start blooming. After winters, when there is totally barren, everything is barren, there is no greenery much. So during spring, what happens in spring? Flowers start blooming, it's greenery all around, right? Har jagah hariyali hoti hai. Hoti hai na, phool khilne lagte hain. To wo bhi ek festival kiska hai? Wo ek mausam ka tyohar hai. It's a festival of season. When spring season starts, it approaches, spring season start hota hai, to hum kya manate hain? Vasant Panchami manate hain. Usme hum Mata Saraswati ko bhi poochte hain. Yes, Riyan? Ma'am, Holi, no? Is that the festival of starting of spring? No. It comes after the spring. Yes, it comes after spring. It comes after spring only. It's not properly a festival of spring, but yes, people play Holi with flowers also. Okay? Okay? Yeah. Holi is a festival of colors. Okay, isme alag story hai, iski kahani alag hai, ye bhagwan ke upar aadharit, pralad, theek hai, ek pralad bhagwan the, unke upar aadharit hai. In which Holi comes after which season? It approaches after spring season, when summers are about to start. It's a festival which comes in spring season. Okay, Riyan, start reading now. हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े बड़े उत्साह से होली दीपावली रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं. होली पर ठीक है. हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय. ओके, दो इंडियंस, दोज हु आर हिंदू. ओके, दोज हु फॉलो हिंदू रिलीजन, दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, ऑल दीज फेस्टिवल विद फुल जील एंड एंथुजियाज्म. ओके, हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं. इन इंडिया
those who follow Hindu culture, they celebrate festival of Holi, Deepavali, Raksha Bandhan and Dashera with full enthusiasm and zeal. ठीक है, समझ में आया रियान? ओके. होली पर सब, वन सेकेंड, होली पर सब, होली पर सब, व्हाट डू वी डू इन होली? नाउ वी विल रीड अबाउट हम होली में क्या करते हैं, होली क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं. देखो, स्टार्ट रीडिंग. होली पर सब, होली का सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है. दीपावली. वेट वेट, होली पर हम क्या करते हैं? होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं. एवरीबॉडी पुट्स कलर ऑन ईच अदर इन होली. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर, राइट? जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है, विच इज अ होप एंड विच इज अ होप ऑफ सॉरी विच इज नॉट अ होप जो जीवन में प्रेम, विच स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड लव इन लाइफ. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स विच स्प्रेड्स लव एंड हैप्पीनेस अमंग ईच अदर. ओके. दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है. Now, Diwali is a festival of lights. Festival of colors is Holi, in which people play with different colors. They put different colors on each other and it is considered to be a festival of love and joy. Okay? Holi. Same with Deepavali. Deepavali is a festival of lights. Have you seen all the people light beautiful diyas and candles and they decorate their house with different colorful lights also. Right? सजाते हैं ना अपने घरों को, उसमें खूब लाइट्स जली होती है, जगमग जगमग होता है. ऑल द हाउसेस आर शाइनिंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली दे आर लाइटिंग अप. यस और नो? यस. तो दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, प्रकाश पर्व. प्रकाश मींस लाइट और पर्व मींस फेस्टिवल. दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ओके. यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार अंधकार को मिटा कर ज्ञान ज्ञान अच्छाइयां और और प्रसन्नता प्रसन्नता के हैप्पीनेस प्रकाश को प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है. ठीक है, दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है. दीपावली इज कंसिडर्ड टू बी द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ओके. यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर, इट रिमूव दिस फेस्टिवल इज कंसिडर्ड टू बी a festival of lights which removes all darkness and you know negativity from your life. It's the festival of lights. We lighten up our house with so many different colorful lights so that it removes all the darkness from our life and the negativity from our life, and it will bring, we light up so many diyas in our house, we clean our house, we decorate our house beautifully with different colorful diyas and colorful lights, so that we are blessed with happiness and positivity, and we remove all the negativity and darkness from our life. Okay, Deepavali is a festival which removes the darkness and negativity from our life and brings prosperity in our life and makes our life happy and positive. Samajh mein aaya? Samajh mein aaya Riyan? दीपावली किस चीज का त्योहार है? दीपावली का किस चीज का त्योहार है? इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. और इस फेस्टिवल का वो क्या है, सिंबल क्या है? व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड?
It is celebrated so that these lights and diyas, they take remove all the negativity and darkness from our life and brings prosperity, happiness, and fills our life with positivity. Okay? Achaya, happiness, prasannata means happiness, brings prosperity, brings wisdom in our life. Okay? Achai ke upar, sorry, burai ke upar, achai ki jeet. Okay? It removes the negativity and brings positivity in our life. Read, Riyan. Raksha Bandhan ke parv par pratyek bhai apne bahen ki rakhi ke taago mein band kar achivan uski उसकी रक्षा करने का वचन देता है. रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई, प्रत्येक मीन्स ऑल द ब्रदर्स, ईच वन. ओके, प्रत्येक मीन्स ईच ब्रदर. रक्षाबंधन के पर्व पर, इन द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, ईच ब्रदर, व्हाट डज ही डू, अपनी बहन की राखी के धागों में बंध कर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है. ओके, द थ्रेड दैट एमुलेट विच सिस्टर टाइज ऑन द रिस्ट ऑफ हिज ब्रदर, द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, आफ्टर टाइंग दैट एमुलेट और थ्रेड ऑन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, द ब्रदर प्रोमिसेस हिज सिस्टर दैट द होल लाइफ द ब्रदर विल प्रोटेक्ट हिज सिस्टर फ्रॉम ऑल द बैड थिंग्स इन द सोसाइटी. He will always be there to protect her from all the problems. He will be there always to protect her from all the problems. Understood? Raksha Bandhan is a festival of? Raksha Bandhan is a festival of siblings. Yes, it's a festival of brother and sister in which the sisters tie a thread or an amulet on the wrist of their brother. And the brother makes a promise to their sister. All the brothers make promise to their sister that for a whole life they will protect their sisters from everything. They will be always there to help them. Okay? Yes. Also, the brother gives a gift for the sister. Yes. In return, the brother also gives a gift to the sister. And the sister also, you know, what does the sister do? Sister always pray for the long life and the healthy life of her brother. When she ties the thread on his brother's hand, she puts a red tilak on his head, a red powder on his head. The sister also prays for the long life and for the healthy life of her brother. And then the brother promises that I will protect you for whole life. I will protect you from all the negative, from all the bad things, and I'll always be there to help you. Okay? So, Raksha Bandhan is a festival of brother and sister. Ek bhai behen ka tyohar hai, jisme ek behen rakhi bandhti hai apne bhai ke haath par, aur bhai usko vachan deta hai. Aajeevan uski raksha karne ka vachan deta hai. That whole life he will protect her. Okay? Chalo. Ab hum ye read karenge. Ab dashere pe aa jaate hain. Dashere ke din hum Ravan aur Meghnad ke putlon ko jalakar apne भीतर से भीतर भीतर नहीं इट्स भीतर भीतर से अन्याय और दून गो पूर दून को संपत करने की प्रेरणा लेते हैं.
ठीक है। दशहरे के दिन हम रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। दशहरा इज अ फेस्टिवल इन विच वी बर्न दी एफिजी और डमी ऑफ मेघनाथ एंड रावण। वी बर्न द एफिजी ऑफ मेघनाथ एंड रावण एंड देन वी यू नो टेक दी हम वो भी वी टेक दी इन इंग्लिश क्या बोलेंगे, ओके वी ट्राई टू किल दी यू नो बैड थिंग्स इनसाइड अस ऑल्सो बाय किलिंग बाय बर्निंग द एफिजी द डमी ऑफ रावण एंड मेघनाथ। वी टेक एन ओथ दैट यस वी विल किल ऑल द बैड डीड्स एंड ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम आर बॉडी एज वेल फ्रॉम आर माइंड एज वेल एंड वी विल बी गुड ह्यूमन बींग्स। ओके सो दशहरा इज अ फेस्टिवल ऑफ यू नो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दशहरा इज अ फेस्टिवल एंड इज अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। ठीक है, दशहरा इज अ फेस्टिवल जिसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। यू नो द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम एंड रावण, राइट? यस तो लॉर्ड रावण लॉर्ड रामा किल्ड दी डेविल रावण, राइट? यस और नो? मारा यस था ना उन्होंने, तो इसीलिए एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दशहरा बाय बर्निंग द एफिजी डमी और यू नो पपेट ऑफ रावण एंड मेघनाथ। वी स्वेयर टू गॉड दैट वी विल किल द रावण इनसाइड अस ऑल्सो एंड वी विल किल द बैड थिंग्स द नेगेटिविटी विच वी हैव इन आर माइंड द बैड थॉट्स विच वी हैव इन आर माइंड वी विल किल दैट ऑल्सो एंड वी विल बिकम गुड ह्यूमन बींग्स बाय किलिंग बिकॉज रावण एंड मेघनाथ वर बैड पीपल, राइट? दे ट्राई टू किडनैप लॉर्ड रामाज वाइफ, राइट? Yes. यस, सो सेम वे देवर हैविंग बैड थॉट्स इन देयर माइंड, राइट? दैट इज वाई दे किडनैप लॉर्ड रामाज वाइफ गॉडेस सीता, राइट? दिस बैड थॉट केम इन देयर माइंड ऑफ किडनैपिंग गॉडेस सीता, दैट इज अ बैड थॉट। सेम वे दैट पर्सन गॉट अ बैड थॉट एंड लॉर्ड रामा किल्ड हिम, राइट? लॉर्ड राम किल्ड हिम, राइट? तो सेम वे वी प्रॉमिस बाय बर्निंग और यू नो बर्निंग द एफिजी और द डमी ऑफ रावण एंड मेघनाथ, वी ऑल पीपल ऑल्सो टेक द ओथ दैट इफ वी हैव बैड थॉट्स अबाउट एनी अदर पर्सन, इफ वी हैव बैड फीलिंग्स फॉर एनी अदर पर्सन, वी विल बर्न दैट ऑल्सो, वी विल रिमूव इट फ्रॉम आर माइंड एंड थॉट एंड फ्रॉम आर हार्ट ऑल्सो, वी विल ऑल्सो बिकम गुड ह्यूमन बींग्स, ओके, बाय रिमूविंग बैड थॉट्स फ्रॉम आर माइंड। तो दशहरा इज अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। दैट पीपल दोज हु हैव गुड थॉट्स एंड गुड माइंड यू नो गुड फीलिंग्स फॉर अदर्स दे ऑलवेज विन, ओके, एंड बैड पीपल नेवर विन इन लाइफ, ओके, अंडरस्टूड? यस बुराई की हमेशा हार होती है, बैड पीपल एंड बैड थिंग्स ऑलवेज लूज इन लाइफ, ओके, एंड पीपल हु हैव गुड थॉट्स एंड गुड फीलिंग्स दोज हु आर गुड बाय हार्ट काइंड हार्टेड पीपल ऑलवेज विन इन लाइफ, ओके। A person who is doing bad with some other person will never win in life. A person who has a good intention will always win in life. समझ में आया रियान? हाँ आया समझ में? दशहरा इज अ फेस्टिवल विच टेल्स अस दैट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। यस ये रीड करो। इस्लाम धर्म धर्म को को मानने वाले वाले मुसलमान हमारे भाई मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्योहार मनाते, बनाते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्योहार मनाते हैं। इस्लाम मीन्स इस्लामिक धर्म, इस्लामिक रिलीजन, यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ इट, राइट? मुस्लिम पीपल फॉलो इस्लामिक रिलीजन, लाइक
Christian people follow Christianity, Hindu people follow Hindu religion, Sikh people follow Sikh religion, so Muslim people follow Islamic religion. इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई, आर ब्रदर्स, आर मुस्लिम ब्रदर्स, दोज हु फॉलो इस्लामिक रिलीजन, वर्ष में 2 बार इन अ ईयर दे सेलिब्रेट 2 टाइम्स ईद. साल में 2 बार दे सेलिब्रेट ईद, दे सेलिब्रेट ईद ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार. सो दे सेलिब्रेट ईद 2 टाइम्स इन अ ईयर. ओके रीड करो. एक बार ईद उल फितर फितर, ईद उल फितर. जिससे पहले वे रोजे रोजे, अपवास उपवास. उपवास अ नहीं है, इट्स नॉट अ, इट्स उपवास. उपवास रखते हैं। ओके. सो एक बार ईद उल फितर, वन टाइम दे सेलिब्रेट ईद उल फितर. ईद उल फितर इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल जिससे पहले वे रोजे, रोजे उपवास रखते हैं. बिफोर विच दे फास्ट, उपवास मीन्स टू फास्ट, इन विच दे डोंट ईट एनीथिंग फॉर द होल डे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? उपवास, फास्टिंग, इन विच पीपल डोंट ईट एनीथिंग फॉर द होल डे एंड दे ईट ओनली ड्यूरिंग वन टाइम इन अ डे. दे हैव ओनली वन मील इन अ डे एंड दैट टू ड्यूरिंग द नाइट टाइम. Okay, when the sun sets, then they have their food. That too only once in a day. Okay, Eid al-Fitr is a festival in which they fast for almost 30 days. Ramadan ka mahina, bolte hai na, Ramadan season. In which they fast for 30 days. For whole 30 days, you know what do? Each day they eat for the 1 month, complete 1 month, they eat food only once in a day. वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, वो भी रात को, only during night time. Whole day they don't eat anything. Understood? So, Eid al-Fitr is a festival of Muslim in which they fast whole day. Okay? Okay, Riyan, now read. ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं. एंड व्हेन इट्स व्हेन द ईद कम्स आफ्टर 30 डेज ऑफ फास्टिंग, व्हेन इट्स फाइनली द डे ऑफ ईद, व्हाट डू? दे गो टू ईदगाह, मस्जिद. वो मस्जिद जाते हैं. ईदगाह किसको बोलते हैं हिंदी में? ईदगाह बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसे मस्जिद बोलते हैं. यू नो व्हाट इज मस्जिद? मॉस्क. Yes, I know what is मॉस्क. more. तो वो वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं. दे प्रे टू गॉड, दे ऑफर प्रेयर टू गॉड, लाइक यू गो टू चर्च, राइट? एंड यू रीड द बाइबल देयर. द सेम वे दे गो टू मस्जिद, दे गो टू मॉस्क, ईदगाह. जिस दिन ईद होती है आफ्टर 30 डेज ऑफ फास्टिंग, वो ईद वाले दिन दे गो टू द मस्जिद और द मॉस्क, ईदगाह, टू ऑफर प्रेयर टू द अल्लाह, देयर गॉड अल्लाह. ओके, वहां जाके नमाज पढ़ते. नमाज इज कॉल्ड प्रेयर, देयर प्रेयर. ओके. फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। और जब आफ्टर ऑफरिंग द प्रेयर टू गॉड, देन दे हग ईच अदर एंड दे हैप्पीली से ईद मुबारक. दे विश ईच अदर ईद मुबारक. ओके. On that, after 30 days of fasting, they go to the masjid, they go to the mosque, they offer prayer to the God. And after offering prayer to the God, they wish each other Eid Mubarak by giving a hug to each other. ठीक है? सब लोग घर में मजे से मीठी सेवइयां खाते हैं। सब लोग घर में मजे से मीठी सेवइयां खाते हैं. मीठी सेवइयां मीन्स खीर, इट्स अ स्वीट डिश. ओके. एंड ऑन दैट डे दे यू नो मेक दिस मीठी सेवइयां, इट्स अ डेलिकेसी ऑफ मुस्लिम पीपल व्हिच दे मेक इन ईद उल फितर. इट्स लाइक मैंडेटरी डिश फॉर देम. विदाउट दिस दे डोंट सेलिब्रेट इट. इट्स मैंडेटरी, ये हमेशा बनाते हैं.
Oh, they always celebrate the festival with by serving meethi sevaiyan, the sweet dish. And whosoever comes to visit them at their home, they always serve them also. दूसरी ईद बकरीद या बकरी ईद. नाउ द सेकेंड ईद वी विल लर्न अबाउट दिस वॉज ईद उल फितर. मुस्लिम्स के दो ईद आते हैं साल में. दे हैव टू ईद इन अ ईयर. वन इज ईद उल फितर एंड द सेकेंड वन इज बकरी ईद विच विल वन सेकेंड बकरी ईद. बकरी ईद या ईद उल जुहा कहलाती है ईद. ईद उल जुआ जुहा कह लेते हैं। इस जो दूसरी ईद होती है द सेकेंड ईद इज बकरी ईद और ईद उल जुहा. इट हैज टू नेम्स. इट कैन बी कॉल्ड ईद उल जुहा और बकरी. ओके. दिन बकरे की कुर्बानी. कुर्बानी दी जाती ऑन दिस डे यू नो दे कुर्बानी मीन्स दे किल वन यू नो दे मेनी ऑफ देम लाइक दे किल गोट. बकरा मीन्स गोट. ओके. बकरा मीन्स गोट. ओके. कुर्बानी लाइक सैक्रिफाइस. दे सैक्रिफाइस द लाइफ ऑफ अ गोट. ओके. ऑन दिस डे दे सैक्रिफाइस द लाइफ ऑफ अ गोट. अंडरस्टूड. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. आपको तो पता होगा बकरी है ना. इन विच दे सैक्रिफाइस द लाइफ ऑफ द गोट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बकरी. सिख सिख धर्म. धर्म को मानने वाले अपने सभी दर दस गुरुआ गुरुओं. गुरुओं दस गुरुओं. गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सिख. सिख मीन्स पीपल. हैव यू सीन सरदार जीस. सरदार डू यू नो हैव यू जी सीन पीपल विद टर्बन. सिख पीपल विद टर्बन. दे पुट अ टर्बन ऑन देयर हेड. हाँ यस. सो सिख धर्म को मानने वाले सिख पीपल द फॉलोअर ऑफ सिख पीपल अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. दे हैव 10 स्पिरिचुअल लीडर. गुरु किसको बोलते हैं. स्पिरिचुअल लीडर को. ओके. द स्पिरिचुअल लीडर. ओके. लाइक यू फॉलो जीसस क्राइस्ट लाइक. सो सेम वे सिख पीपल हैव 10 गुरुज. देयर 10 स्पिरिचुअल लीडर्स के बर्थडे को धूमधाम से मनाते. द बर्थडेज ऑफ देयर 10 स्पिरिचुअल लीडर्स आर सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली. ओके. विद फुल एंथुसियाज्म दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द 10 स्पिरिचुअल लीडर्स. रीड दिस वन. गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है. वन ऑफ देयर स्पिरिचुअल लीडर इज गुरु नानक जी. सो हिज बर्थडे इज कॉल्ड एज गुरु पर्व. ओके. द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व. रीड रियान. ठीक है। इस दिन इस दिन गुरुद्वारों को गुरुद्वारों को रंग बिरंग बिरंगी रोशनी से सजाया है जाता है. ऑन दिस डे व्हेन दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी एज गुरु पर्व दे डेकोरेट द गुरुद्वारा. सो वेयर डू द सिख पीपल गो. गो मॉक मॉस्क सिख पीपल गो टू द मॉस्क. मुस्लिम पीपल गो टू द मॉस्क. सिख पीपल गो टू गुरुद्वारा. ओके. देयर रिलीजियस प्लेस इज गुरुद्वारा. ठीक सिख पीपल गो टू द मॉस्क. ओके रियान. इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है.
Gurudwara is a religious place for Sikh. Hindus go to temple, Muslims go to mosque, Sikh go to Gurudwara, Christians go to church. Okay? इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा देता है. ऑन दिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी ऑल द गुरुद्वारास आर डेकोरेटेड विद डिफरेंट कलरफुल लाइट्स. जस्ट लाइक ऑन दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउस विद कलरफुल लाइट्स, ऑन क्रिसमस वी डेकोरेट आवर हाउस विद कलरफुल लाइट्स, तो सेम वे इन गुरुपर्व सिख पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद कलरफुल लाइट्स. ओके, it's a kind of Diwali for them. They celebrate it. This is a festival of, just like Hindu people celebrate Diwali as light of festival, Sikh people celebrate Guru Purav as light of festival, and Christmas is celebrated by all the Christians as festival of lights. Sorry. Okay. Read. Sabat kirtan hote hai. होता है सबद कीर्तन. कीर्तन एंड सबद मीन्स दे चैंट द नेम ऑफ गॉड एंड दे सिंग ऑल द रिलीजियस सॉन्ग. सबद कीर्तन होता है. एंड ऑन दैट डे इन ऑल द गुरुद्वारास दे डेकोरेटेड ब्यूटिफुली एंड दे चैंट द मंत्रास ऑफ गॉड एंड दे सिंग सॉन्ग्स एंड ऑल द रिलीजियस सॉन्ग. कीर्तन मीन्स रिलीजियस सॉन्ग. दे सिंग ऑल द रिलीजियस सॉन्ग इन द गुरुद्वारा. सभी सभी सिख सिख गुरु सिख गुरुद्वारे वारे जाकर मत्था मत्था टेकते ते हैं. ओके, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं. ऑल द सिख गो टू द गुरुद्वारा एंड bow their head in front of their God. Okay? They bow down and pray to God. Okay? Understood? Matha tekte means to bow down. Okay? They touch their head on the feet of their Guru. On the feet of their God. Okay? Understood? Sikh kahan jate? Religious place of Sikh. गुरुद्वारा. वेरी गुड. नाउ रीड. इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के के जन्म जन्मदिन 25 दिसंबर को त्योहार के रूप में मनाते हैं. तो इसी प्रकार सेम वे द क्रिश्चियन पीपल हु फॉलो क्रिश्चियनिटी दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ईसा मसीह विच इज ऑन 25 दिसंबर एज क्रिसमस. ठीक है, इसी प्रकार जस्ट लाइक द सिख सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी एज गुरु पर्व, सेम वे द क्रिश्चियन पीपल सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ Lord Jesus as Christmas on 25th December. ठीक है. इसे क्रिसमस कहा जाता है. इस दिन सेंटा क्लॉस सभी बच्चों को टॉफिया चॉकलेट और प्यारे 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 उपहार बांटते हैं. आते हैं. उपहार किसको बोलते हैं रियान? गिफ्ट. यस, वेरी गुड. सो ऑन दिस डे सांता क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियां चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं. ऑन क्रिसमस सांता क्लॉज डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स चॉकलेट्स एंड ब्यूटीफुल अदर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन टू स्मॉल चिल्ड्रन. Okay, Santa Claus comes and distributes gift to all the children. Understood? Read next. बहुत धर्म को मानने वाले लोग लोग
गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्मदिन को को बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा। पूर्णिमा के त्योहार के रूप में मनाते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, पीपल हु फॉलो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इज अनदर रिलीजन, यू नो दैट। तो वो क्या करते हैं, दोज हु आर फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट पीपल, दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर लॉर्ड गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा इज देयर गॉड, राइट? गौतम बुद्धा भगवान थे, नहीं? याद आया, गौतम बुद्ध और किसकी स्टोरी पढ़ाई थी मैम ने? गौतम बुद्ध और अंगुलीमल। अंगुलीमाल। हाँ, याद आया। तो जो बुद्धिस्ट पीपल होते हैं, दे फॉलो, दे वर्शिप द गॉड गौतम बुद्ध, ठीक है? सो द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध, जन्मदिन मीन्स बर्थडे, जन्मदिन का मतलब क्या होता है? बर्थडे बर्थडे। सो द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा, ओके, एज द फेस्टिवल ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। एंड इन द सेम वे दे ऑल्सो डेकोरेट देयर हाउस विद ब्यूटिफुल कलरफुल लाइट्स, दे मेक स्वीट्स इन देयर हाउस एंड देन दे गो टू द मोनेस्ट्री। वेयर डू द बुद्धिस्ट पीपल गो टू? दे गो टू द मोनेस्ट्री। हैव यू एवर बीन टू एनी मोनेस्ट्री? नहीं। तो बुद्धिस्ट पीपल कहाँ जाते हैं? मोनेस्ट्री में जाते हैं, और वहां जाके वो भी भगवान का प्रेयर पढ़ते हैं, ओके? सो द बुद्धिस्ट पीपल सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्धा एज बुद्ध पूर्णिमा, ओके? हाँ, रीड करो। सब के साथ साथ यह अलग राज्यों, राज्यों ये अलग अलग फैसलों पर फसलों, फसलों, फसलों मीन्स क्रॉप्स पर आधारित। आधारित त्योहार मनाए जाते इन हैं। सबके साथ साथ, अलोंग विद ऑल दीज फेस्टिवल्स, यहाँ अलग अलग राज्यों में, इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग फसलों पर, इन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, ठीक है? अलोंग विद ऑल दीज फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस एंड ऑल दीज, देर आर अदर फेस्टिवल्स एज वेल, इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कल्चर पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल बेस्ड ऑन डिफरेंट क्रॉप्स, ओके? बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्रॉप्स विच दे ग्रो। अब स्टार्ट करो, ये क्या है? असम में बिहू लाइक आई टोल्ड यू ना, असम में बिहू मनाते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। असम में बिहू, असम इज अ स्टेट, यू नो असम, असम। तो असमीज पीपल सेलिब्रेट बिहू, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल, पोंगल, तमिलनाडु केरल में में पोंगल। ओणम, ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल हिमाचल प्रदेश में प्रदेश में बैसाख। वैसाखी आदि त्योहार फैसलों की कटिया कटाई, कटाई किस समय ही मनाया जाता है। हाँ, तो असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम। लाइक रिसेंटली दे सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ ओणम, राइट? इन विच दे ऑर्गेनाइज्ड अ बोट रेस एज वेल, ओके? हाँ पंजाब, उत्तर भारत मीन्स नॉर्थ इंडिया, उत्तर मीन्स नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया, पंजाब और हिमाचल में बैसाखी आदि त्योहार, इन नॉर्थ इंडिया दे सेलिब्रेट बैसाखी, फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप, ओके, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम ऑफ द क्रॉप, व्हेन दे कट द क्रॉप, दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, ओके? रीड ये। ये सभी त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता
प्रसन्नता प्रसन्नता हैप्पीनेस प्रसन्नता मीन्स हैप्पीनेस खुशहाली उत्साह प्रसन्नता उत्साह उत्साह एम एकता का संदेश लेकर आते हैं। ये सभी त्योहार ऑल दीज फेस्टिवल हमारे जीवन में प्रसन्नता उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं. ऑल दीज फेस्टिवल ब्रिंग हैप्पीनेस. प्रसन्नता मीन्स हैप्पीनेस दे ब्रिंग हैप्पीनेस. उत्साह मीन्स एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म. एव एकता एकता मीन्स यूनिटी का संदेश लेकर आते हैं का मैसेज. संदेश मीन्स मैसेज. ओके ऑल दीज फेस्टिवल ब्रिंग द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म एंड यूनिटी इन आर लाइफ. ऑल दीज फेस्टिवल ब्रिंग द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस एक्साइटमेंट एंड यूनिटी इन आर लाइफ बिकॉज ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स वी ऑल यूनाइट ऑल टूगेदर. वी ऑल कम टूगेदर एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल. वी डोंट इवन समटाइम्स थिंक ऑफ आर रिलीजन. हिंदू पीपल गो एंड विश मुस्लिम पीपल ईद. ओके गो टू देयर होम एंड विश देम ईद मुबारक. सो सेम द क्रिश्चियन पीपल ऑल्सो कम एंड विश द हिंदू पीपल हैप्पी दिवाली. एंड देन अगेन इन क्रिसमस ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिलीजन दे सेलिब्रेट क्रिसमस ऑल टूगेदर. राइट यस. सो पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिलीजन दे ऑल कम टूगेदर. These festivals bring unity and happiness among all the people. Okay, we all forget all our, you know, grudges and negative feelings for others. We forget about our all the grudges. We don't think of our, you know, that this person said this to me. We forget everything, and then we all get together. We all become friends, right? Yes. So festival is very important. Okay. So celebration of festival is very important as it brings the unity of people. It unites all the people of different culture all together and creates happiness in the environment and in the